गुड इवनिंग टू ऑल हाउ आर यू स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग गुड इवनिंग टू ऑल एर आई कैन सी हीयर एर आई कैन सी हीयर सोना वेरी गुड मॉर्निंग हीना आलोक वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों तो चलिए अपने वर्क की शुरुआत करते हैं विद न्यू एंथिसम तो आज का हमारा सेशन है बच्चों सेशन थर्टी नाइन फोर डेली बुकेबली जी ज्योति सीमा वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों रूबी सबिया अनु नीलम गुड मॉर्निंग एवरी तो बच्चों शुरुआत करते हैं अपनी सेशन की विद द ऑफ द डे आज की हमारी कोटेशन बेसिकली है वन रीजन पीपल रेसिस्ट चेंज इज बिकॉज दे फोकस ऑन वोट दे हैव टू गिव अपटिंग एवरी वन यानी कि चेंज से लोग क्यों डरते हैं क्यों उसको रेसिस्ट करते हैं इज बिकॉज दे फोकस ऑन देट दे हैव टू गिव अप उन्हें फोकस उस पे करना पड़ता है जिसको वो छोड़ते हैं इंस्टेड बजाय किसके जो उन्हें गेट करना है गेन करना है सो so बच्चों हमें ज्यादा जी निहाल वेरी गुड मॉर्निंग जी सीमा गुड मॉर्निंग हमें सबसे पहले हमें सबसे ज्यादा किस पे फोकस करना है बच्चों जो हम गेन कर रहे हैं ना कि जो हम गिव अप कर रहे हैं तो चलिए बच्चों इसी बात के साथ आते हैं अपने वर्क पे और लेते हैं आज का फर्स्ट वर्ड यानी कि वर्ड वॉज देयर इन्फर हमें इन्फर को देखना था कि इन्फर का मीन्स होता क्या है तो चलिए इन्फर पे वर्क करते हैं बच्चों देखो यहां पे हमारा वर्ड है इनफर तो आप क्या बताएंगे इन्फर का मीनिंग कंक्लूड करना डिबेट करना कैलकुलेट करना या बच्चों सजेस्ट करना व्यू मीन बाय दिस वर्ड जी सब बच्चे आंसर करें सब बच्चे आंसर करें और मुझे बताएं इसका मीन्स क्या बनेगा हां जी आंसर कीजिए एवरी वन ए आंसर आपने बताया सीमा ठीक है सो ए शुड बी आंसर यानी कि कैल कंक्लूड इट मस्ट बी कंक्लूड करेक्ट ठीक है जी और बच्चे बताएं अंजू ए सबिया ने डी कहा है कॉन्क्लूड नेहाल ने कहा है नीलम ए बिल्कुल बच्चों याद रखो इनफर इन कहते हैं मीनिंग एक्चुअली का मीन्स ही क्या होता है किसी वर्ड को पर्टिकुलर जो हमारे सामने चीजें हैं या फिर साक्ष्य हैं या एविडेंसेस हैं उनसे कुछ किसी बात को निकालना का मीन्स है कंक्लूड करना तो कंक्लूड का मीन्स बेसिकली क्या हो गया बच्चों किसी चीज को किसी के मीन्स को निकालना प्रेजेंट सिचुएशन से तो यही मीन्स बनता है आपका इन्फर का तो इन्फर का मीन्स आंसर क्या गया बच्चों अगर हम सिनोनिम में देखें तो इट बी ए सेकेंड वर्ड पे आते हैं एक्सप्लिसिट तो explicit का क्या बनाएंगे इमीडिएट प्लेनली स्टेटेड मार्क्ड या रिवील्ड रिवीलिंग द सीक्रेट जी बिल्कुल पिंकी तो यहां पे क्या आंसर होना चाहिए एक्सप्लिस का आप जानते हैं बच्चों एक्सप्लिस जो हम स्पष्ट तौर पे दिखा दें साफ साफ क्लीनली है ना साफ साफ अगर हम दिखाएं किसी चीज को स्पष्ट रूप से क्लियरली तो उसको हम क्या कहते हैं बी आंसर रिविलिंग सीक्रेट ओके ठीक है answer, okay, अनु ए बच्चों इसका मीन्स बनेगा प्लेनली स्टेटेड एक्सप्लेट का मीन्स होता है प्लेनली स्टेटेड जबकि अगर मैं यहीं पे वर्ड कह दू इम्प्लिसिट

आरई डबल एस लेकिन इस समय जो वर्ड है डिप्रेस का मीन होता है डिप्रेशन में यानी कि दुख में होना या परेशानी में होना होना लेकिन रिप्रेस रिप्रेस क्या बनेगा मीन हां जी देखो इसका मीन्स होता है बच्चों कर्ब रोकना एक तरह से किसी को रोकना या फिर किसी पे किसी को प्रेस करना उस काम को बंद करने के लिए रोकने के लिए तो इसे कर्ब कहेंगे आंसर हमारा क्या बनेगा यहां पे सी एग्जैक्टली बच्चों आप ऐसे कह सकते हो कि किसी कपड़े पे आपको प्रेस करनी थी कोई पर्सन जा रहा है प्रेस करनी थी आपने प्रेस करके रख दी लेकिन अब वो फिर जाने वो जाने की जिद कर रहा है तो आप उसे रोकना चाहते हैं तो आप रिप्रेस कर दोगे रिप्रेस का मीन दोबारा से प्रेस करके उसके कपड़े को जला दोगे फिर वो जाएगा ही नहीं तो क्या बन गया कर्ब बन गया एक तरह से तो रोकना कर्ब करना है ना तो आंसर हमारा क्या बना बच्चों सी अब देखते हैं विंडिक्टिव तो बताओ विंडिक्टिव होता क्या है वो डू वी मीन बाई क्रुअल हार्श रूड या रिवेंजफुल फोर का सी एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल ठीक है प्रतिभा वेरी गुड इट इज बच्चों का मीन्स क्या होता है बदले से भरा हुआ है ना बदले की भावना से भरा हुआ बदले से भरा हुआ रिवेंजफुल कहते हैं मतलब बदला लेगा ही लेगा और बच्चों रिटेलिएट कहते हैं एक वर्ड होता है रिटेलिएट ये भी जबरदस्त वर्ड है रिटेलिएट का टिट टैट यानी कि जिसने जैसा किया वैसा उसे आंसर देना रिटेलिएट कहना था इसको भी कहते हैं कि बदला लेना एक तरह से तो रिटेलिएट कह लो विंडिक्टिव कह लो या रिवेंजफुल एक ही बात है लगभग जी गुड मॉर्निंग किरण गुड मॉर्निंग ठीक है बच्चों नीलम रूबी बहुत अच्छे सीमा अंजू रूबी अब देखो क्वेश्चन नंबर शी शी इज इज ये इज है बच्चों शी इज प्रेटी इन स्पिड यंग लेडी तो देखो इन स्पिड कहां पे लिखा हुआ यंग लेडी से पहले तो एक एडजेक्टिव की तरह से यूज हुआ तो बच्चों इसका क्या मीन्स बनेगा क्लेवर डल लेजी या लीन जी नेहा ओके ठीक है ए आंसर कह रहे हैं आप जी गुड मॉर्निंग रीना गुड मॉर्निंग बी आंसर कह रहे हैं सब बच्चे लीम ए क्लेवर देखो आपने इसको पढ़ा भी था हमने इसको ऐसे पढ़ा था इन स्पीड यानी कि इन स्पीड अगर आप कुछ इन स्पीड में खाओगे तो बच्चों क्या लगेगा आपको टेस्टलेस तो एक तो इसका मीन्स बन गया टेस्टलेस और टेस्टलेस से क्या बना रंगहीन यानी कि डल बन गया तो वो डल सा हमें लगेगा जी एनू गुड मॉर्निंग ठीक है बच्चों डी भी हो सकता है हाँ डी नहीं बच्चों यहां पे डल बनेगा डल का मतलब है कि वो रंग से लेस हो गया बिल्कुल बेकार सा अजीब सा लगेगा फीका फीका टेस्टलेस तो आंसर हम इसमें क्या बनाएंगे डल टेस्टलेस का मीन्स इसमें टेस्ट ना हो यानी कि डल हो कलर ना हो ये दोनों मीन्स आपस में जुड़ेंगे अगले वर्ड को देखते हैं बच्चों नंबर को She thought that running into, देखो क्या क्या लिखा वो जो stroke of fate. तो running into का क्या जाएगा Meet by chance, colliding, with या with. अगर हमारे पास वर्ड आता है बच्चों रन इनटू तो हम इसे क्या बनाएंगे रन इनटू का मीन्स क्या बनेगा मीटिंग बाय चांस

किरण भावना रीना बहुत अच्छे बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं नंबर सेवन आपने सुना होगा ये कैरिस्मेटिक लीडर है ऐसे वर्ड सुना होगा वो एक कैरिस्मेटिक लीडर है तो ये वो जो कैरिस्मेटिक लीडर इसे क्या कहेंगे राहुल गांधी हो गए जितने भी लोग मोदी जी होंगे वो सब कैरिस्मेटिक है तो बच्चों एक्सेप्शनली फेंटेस्टिंग फैसिनेटिंग पर्टिकुलरली पॉपुलर कंपल्सिवली प्लीजेंट या स्ट्रेंजली हॉन्टिंग ए जाएगा एग्जैक्टली exactly. करिश्मा होता है उनमें है ना यानी करिश्मा होने का मीनस एक्सेप्शनली फैसिनेटिंग मतलब वो अपनी तरफ खींचते हैं आपको वो करिस्मेटिक होते हैं जो भी कह देते हैं उसे आप मान लेते हैं करिस्मेटिक होते हैं है ना बिल्कुल सही है बहुत अच्छे बच्चों आंसर ए जाएगा अब देखो नेक्स्ट नंबर ही इज एन इंडिफेटिगेबल वर्कर तो इंडिफेटिगेबल का मीन्स क्या बनेगा बच्चों देखो फटीग अगर मैं वर्ड का यूज करूं एफ ए टी आई जी यू फेटिक का मीन्स होता है थकान क्या मीन्स होता है बच्चों थकान फेटिगेबल अगर मैं गेबल कर दू इसको जी ए बी एल ई थकने लायक थकान के लायक है ना बच्चों और अगर मैं कह दू इसको इंडी है ना इंडी इसका मतलब है थकने ना वाला यानी कि जो ना थके उसका मीन्स क्या बनेगा टायरलेस बहुत अच्छे बच्चों वेरी गुड किरण अनु प्रतिभा ज्योति नीलम सभी बच्चों ने सही आंसर दिया जी रीना बिल्कुल ठीक है आंसर क्या आ जाएगा बच्चों टायरलेस बिना थका हुआ और अगर मैं इन हटा दू यहां से डिफेटिगेबल कर दू या दूसिगेबल तो उसका मीन्स क्या होगा थकान के लायक थकने वाला अगले क्वेश्चन पे आते हैं है? सब बच्चे बताएंगे कैमोफ्लैग डिस्गाइज होता है डेमोनिस्ट्रेट होता है कवर होता है या बच्चों फेब्रिक होता है डिस्गाइज का मीन्स मैं आपको बता दू इसका मीन्स होता है वेश बदलना वेश बदल के छुपना तो वेश बदलना बेसिकली हमारा डिस्गाइज है और यही बच्चों क्या है कॉमोफ्लेग नाइन नंबर का आंसर ए बनेगा कैमोफ्लैग का मीन्स होता है बच्चों वेश बदलना डिस्गाइज होना हाँ जी डिस्गाइज होना प्रतिभा बिल्कुल ठीक है सीमा सबिया बहुत अच्छे बच्चों करेक्ट अनु किरण नीलम ज्योति रीना तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा बच्चों ए कॉमोफ्लेग का मीन्स है डिस्गाइज होना योन देखो वाई E ए आर एन एक वर्ड आपने देखा है ई ए आर एन अन का मीन बच्चों कमाना है ना अर्निंग हमारी क्या होगी कमाई लेकिन जब हम इसमें वाई जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है कन्फ्रंट डिनाय कन्फ्रंट या क्रेव हां जी बिल्कुल सही है टेन का डी बनेगा क्रेव होना क्रेव का मतलब होता है अ डिजायर अनकंट्रोलेबल डिजायर भयंकर डिजायर आपके अंदर आती है मतलब आप अपने आप को रोक ही नहीं पाते उसे क्रेव कहते हैं जैसे आपने सुना क्रेविंग फॉर क्रेविंग फॉर जैसे क्रेविंग काहे के लिए अल्कोहल के लिए होती है सिगरेट के लिए होती है मतलब जितनी नशीली चीजें हैं उनके लिए क्रेव होती है लेकिन आप लोग कैसे हैं आपके अंदर भी क्रेव है लेकिन किसके लिए है बच्चों स्टडी के लिए सिलेक्शन के लिए तो आपके अंदर सिलेक्शन या स्टडी के लिए क्रेविंग है यानी कि भयंकर डिजायर तो यू यू यर्न फॉर यर्न फॉर द स्टडी और द सिलेक्शन तो आंसर बच्चों डी जाएगा अब आप देखो आपके इडियम्स फ्रेजेस बन गए बिटवीन द डेविल एंड द सी इसका मीन्स क्या बनेगा इन अ फिक्स डेविल एंड द सी डेविल इन सी या वर्स situation सिचुएशन कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन स्टडी के लिए बिल्कुल ठीक है रीना एग्जैक्टली ए आंसर बनाया है प्रतिभा ने बिल्कुल सही है प्रतिभा गुड हां जी बच्चों देखो जो वर्स सिचुएशन आप लोग कह रहे हैं वर्स सिचुएशन से क्या होता है खराब सिचुएशन खाली अगर हम बच्चों इसका आंसर सी देखें तो वो सिर्फ खाली से जाएगा लेकिन ध्यान से देखो क्या है ना किधर जाना है उसे in a fix कहते है, में। तो आंसर हमारा ए जाएगा बच्चों लग सकता है सी हमें अगर ए ना हो तो सी लगा देंगे बट यहां पे है, fix, तो हम आंसर ए करेंगे राइट right, बच्चों तो बिटवीन द डेविल एंड द सी का मीन होता है इन अ फिक्स अगला क्वेश्चन डांस अटेंडेंस अपॉन ये पूरा ही है बच्चों डांस डांस अटेंडेंस अटेंडेंस अपॉन यानी कि करना जब के लिए आपसे कहा जाए तो इसका मतलब है टू फ्लैटर करना करना यानी कि चापलूसी डांस विद अ पार्टनर अटेंड अपॉन या अटेंड टू क्या आंसर देंगे हां जी मुसीबत में बिल्कुल सही है सभिया तो आंसर क्या करेंगे बच्चों डांस अटेंडेंस अपॉन जब अटेंडेंस के लिए कहा गया आपने डांस करना शुरू कर दिया जबकि आप पिछले दस दिन से नहीं आए थे हा क्यों इसका मतलब आप फ्लेटर करना चाह रहे हो उसको टू फ्लेटर टू फ्लेटर का मीन है उसकी चापलूसी करना जिससे टीचर आपके पिछली वाली भी लगा दे और आप खुशी खुशी अपने घर फिर अगले पांच सात दिन रह पाए समझ में आ रहा है बच्चों ऐसा सब लोग करते थे अगले पे देखेंगे गो अबेजिंग वर्ड है हमारा गो अबेजिंग तो बच्चों इसका क्या मीन्स बनाएंगे गो इन वेन गो फॉर बैगिंग बैग, बैग फॉर गोइंग या फिर रिक्वेस्ट फॉर समथिंग गो अबेजिंग देखो ए बी ई जी ई अगर मैं एबेज की बात करूं इस वर्ड की बात करूं बच्चों इसका मीन्स होता है बेकार एबेज का मीन्स होता है बेकार जो किसी लायक ना हो तो इसका मीन्स क्या बना ट्वेंट थर्टीन का हमारा बच्चों आंसर बना है गो इन वेन तो गो एबेजिंग का मीन्स है गो इन वेन ऐसे कह लो या बच्चों ये जो वर्ड लिखा है अबेग अबेग बे, बे, बीजी beg का मीन्स क्या होता है मांगना भीख मांगना तो गो एवेजिंग का है हम बेकार काम को कर रहे हैं यानी कि हम भीख मांग रहे हैं ऐसे आप इसको बना सकते हैं डन एवरी वन अगले वर्ड पे आए अ अडे बहुत बार पूछा गया बच्चों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गैलेडे क्या होता है बताओ अ डे ऑफ सक्सेस अ डे ऑफ मैरी मेकिंग इवेंटफुल या फिर डे ऑफ सिग्निफिकेंस बताइए बच्चों देखो हम आपको इतनी बात बता देते हैं यहां पे हम आपको इतनी बात यहां पे क्लियर कर देते हैं बच्चों कि इस समय सारे वर्ड एक जैसे दिख रहे हैं इसमें से आपको देखना है ए आंसर कुछ बच्चों ने कहा डे ऑफ सक्सेस कुछ ने कहा डे ऑफ मैरी मेकिंग ठीक है ठीक है ओके रीना सीमा ए कह रहे हैं ठीक है किरण देखो बच्चों ध्यान से देखो डे दे, गैले डे गैले बेसिकली मीन्स होता है फेस्टिव डे जिसमें हम फेस्टिव मनाए खुशी के मारे हम फेस्टिव मनाए फेस्टिवल मनाए तो उसे हम कहते हैं तो ध्यान से देखो देखो एक और था अ रेड लेटर डे सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे अ रेड लेटर डे कैसे आप डिफरेंस बनाओगे रेड लेटर डे और में ध्यान से देखो बच्चों रेड लेटर डे होता है आपका डे ऑफ सिग्निफिकेंस कैसा होता है बच्चों डे ऑफ सिग्निफिकेंस या डे ऑफ सक्सेस ये दोनों किस में पहुंच जाएंगे आपके ए में लेकिन जब आप गैले डे को कहते हैं तो गैले डे तब होता है जब आप फेस्टिवल उसके लिए मना रहे हो का मतलब है अ डे ऑफ मैरी मेकिंग मैरी का मीन क्या है खुशी को मनाना खुशी मनाना फेस्टिवल तो आंसर आपका क्या जाएगा बी यहां पे समझ रहे हैं बच्चे सब बच्चे ध्यान से देखें तो आंसर हमारा क्या जाएगा बी मतलब रेड लेटर डे और ये अक्सर पूछे गए दोनों में डिफरेंस भी बना के पूछ सकता है तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे रेड लेटर डे आपका कैसा डे हो गया सक्सेस वाला गैले डे है वही लेकिन आप क्या मेरी मेकिंग करेंगे उसमें आप खुशी मनाएंगे डन बच्चों अगले वर्ड पे आते हैं हैंग टुगेदर अच्छा ये वर्ड तो आपने किया था अभी कल ही किया था हैंग टूगेदर का मीन्स कंफर्म ईच अदर और हार्ड बोर्ल्ड का मीन्स आप खुद बताएंगे देख दें कितना याद है आपको सब बच्चे 16 का आंसर करें हार्ड बोर्ल्ड का मीन्स बच्चों क्या है तो इसका मीन्स होता है हार्ड एंड का बच्चों अगर हम मीन्स देखें इसका मीन्स होता है ऐसा पर्सन जो फीलिंगलेस हो जाए इमोशन ना हो इमोशन लेस हो जाए गो है हॉट एंड कोल्ड ये जबरदस्त है बच्चों गो हॉट एंड कोल्ड इसको कैसे बनाएंगे कम इन से गेट एंग्री गेट इरिटेटेड गेट आउट ऑफ कोल्ड या सडन फीलिंग ऑफ फियर एंड एग्जाइटी जब हम कहते हैं गो हॉट एंड कोल्ड तो इसका मीन्स क्या बनेगा ठंडा भी, हो भी होना और बच्चों गर्म भी होना ठंडा गर्म दोनों हो रहे हैं आप एग्जैक्टली exactly अनु you know, बिल्कुल सही है बच्चों नीलम प्रतिभा अंजू सीमा ये डी आंसर है सडन सडन फीलिंग ऑफ फियर एंड राइटी करेक्ट बात है कि नहीं हाँ जी तो फीलिंग फियर भी है एंग्जाइटी भी है दोनों चीजें सडन आपके साथ है तो गो होट एंड कोल्ड देखो कोल्ड कब होते हो जब आपको फियर होता है एंग्जाइटी कब होती है जब आप होट होते हो एंग्जाइटी से होट होते हैं और कोल्ड से फियर से कोल्ड होते हैं दोनों चीजें साथ साथ आ रही है अगला देखो बच्चों एटीन नंबर है ना ग्रिल्डअप तो get up once lions, किसका means क्या बनेगा? रेडी फॉर exactly इसका मतलब होता है अपनी कमर को पक्की करके चलना गेट रेडी फॉर जॉब इसको कहते हैं अप वंस लॉयंस यानी अपने शेर तैयार करना के चलो शेरों लड़ते हैं ये कंडीशन बन रही है तो 18 का बच्चों ए बनेगा पॉकेट एंड इंसल्ट पॉकेट एंड इंसल्ट ऐसे समझो आप यहां पे खड़े हो बच्चों ये रहे आप है ना जैसे बन गए आपने क्या किया इंसल्ट मिली उसको पॉकेट में रख लिया आराम से ये रखिए मेरे पॉकेट में इंसल्ट तो इसका मींस क्या बना खुद बताएं पॉकेट एंड इंसल्ट बियर इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट नॉट टू टेक एनी एक्शन सिट ओवर रेजोल्यूशन या बच्चे इग्नोर अ केस क्या बनाएंगे हां जी बिल्कुल सही है जी भावना प्रतिभा अंजूर ज्योति रूबी करेक्ट बात है बच्चों बी एर इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट मतलब आपने जेब में रख लिया इसका मतलब आपने उस बात को मान लिया प्रोटेस्ट नहीं किया तो बिना प्रोटेस्ट के बिना विरोध के आपने अपनी इंसल्ट को मान लिया इसे कहते हैं पॉकेट एंड इंसल्ट तो इसका मतलब है बच्चों अपनी पॉकेट में इंसल्ट कभी नहीं रखनी चाहिए आपको क्या करना चाहिए और भी कुछ ना मिले सामने वाले को धपड़ दो मतलब दो चार लगा दो इससे क्या होगा कि आपकी भी गुस्सा मिट जाएगा तो बी इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट डन एवरी वन इन प्रेटीपास इन प्रेटीपास बच्चों किसको कहते हैं बताइए प्रॉब्लम ऑफ अ मैसेज पैसेज इन अ डिफिकल्ट वे इन डिफिकल्टीज या कोर्ट इन अवी ट्रैफिक क्या कहेंगे इन प्रेटी पास वट डू वी मीन बाई अ प्रेटीपास ए आंसर ओके ठीक है बी इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन सब बच्चे आंसर करेंगे इन प्रेटी पास क्या मीन्स बनेगा इन प्रेटी पास हां जी बच्चों जी प्रॉब्लम्स ऑफ पैसेज या बच्चों हमारा बनेगा डिफिकल्ट वे इन डिफिकल्टीज एवरीबडी नीड टू आंसर बच्चो इसका मीन्स बनता है देखो इसका मीन्स होता है बेसिकली अ बेड सिचुएशन है ना एक ऐसी बेड सिचुएशन जिसमें हम फंस जाए उसे प्रेटी पास कहते हैं तो हम कहेंगे इन अ डिफिकल्ट वे आंसर क्या बनेगा इन अ डिफिकल्ट वे तो आंसर इसका बच्चों ये बी बनेगा ये ऊपर नीचे हो गया है बी और सी ऊपर नीचे हो गया तो हम आंसर इसका क्या बनाएंगे बी यहां पर करेक्ट इन अ डिफिकल्ट वे सबको समझ में आ गया है? जी करेक्ट बात है साक्षी किरण अब अगला वर्ड आते हैं बच्चों अगले वर्ड पे आते हैं सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक ऐसे सोल्जर्स जो हॉर्स की बैक पे यानी कि घोड़े की पीठ पे बैठ के लड़ते हैं उनको क्या कहते हैं इन्फेंट्री आर्टिलरी आर्मर्ड या बच्चों कैवेलरी अगर आपको याद हो कैवेलियर पोएट्स आपने पढ़ा है बच्चों कैवेलियर पोएट्स जी तो बताओ बच्चों क्या आंसर करोगे इसका सोल्जर्स फाइट ऑन हॉर्स बैक घोड़े के ऊपर बैठ के लड़ने वाले को हम क्या कहते हैं क्या आंसर करते हैं बच्चों बताइए एवरीबडी नीड टू आंसर जवाब नहीं आ रहा है बच्चों आपका एक मिनट देखते हैं कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अच्छा ठीक है सी आंसर दिया है हीना ने फैजन सी 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 ओके बिल्कुल सही है बच्चों तो देखो आंसर बिल्कुल सही हो गया है करेक्ट एवरी लेकिन एक वर्ड टर्म आती है कैविलियर पोएट्स मुझे बताओ बच्चों केविलियर पोएट्स कौन थे वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं कौन बच्चा आंसर देता है आपने से कवेलियर पोएट्स में पूछ रहा हूं आपने इसको पढ़ाया बच्चों हु वर द केविलियर पोएट्स जैसे मेटाफिजिकल को आप देखते हैं तो कवेलियर कहां पर आते हैं वन वीक और मिल जाता साक्षी कोई दिक्कत नहीं है बेटा इतना जितना है समय यही काफी है इसी तरह से लेके चलो किंग सपोर्टर हां बिल्कुल ठीक है वेरी गुड ज्योति हा ठीक है ठीक है लेकिन देखो बिल्कुल से किंग सपोर्टर लेकिन किसके सपोर्टर चार्ल्स फर्स्ट के स्पेशली चार्ल्स फर्स्ट वालों को ऐसे पोइट जो चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट कर रहे थे वो कैवेलियर कहलाए याद आ रहा है बच्चों को हाँ बिल्कुल ठीक है रीना बहुत अच्छे कैरोली जी एग्जैक्टली exactly, बहुत अच्छे एक्सप्लोर बस ऐसे ही आपको ध्यान रखना है अगले वर्ड पे आ जाओ बच्चों ट्वेंटी टू अ मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी लग्जरी पे जो पैसा खर्च करता है उसे क्या कहते हैं एक्सटेपोर थ्रिप्टी प्रोमिसकर्स या बच्चों एक्स्ट्रावेगेंट अच्छा अच्छा नू फिगर ऑफ स्पीच ठीक है कराते हैं बेटा कोई बात नहीं इसको कराते हैं जल्दी सी आंसर करें बहुत अच्छे बच्चों ये एक्स्ट्रावेगेंट बनेगा फिजूल खर्च जिसे हम कहते हैं फिजूल खर्च और बच्चों इसी के लिए एक जबरदस्त वर्ड है स्क्वेंडर एसके यू एन डी आर स्कवेंडर भी यही होता है फालतू में खर्च करना बेकार में खर्च करना समय भी और पैसा भी अब देखो ये जो वर्ड है ना बच्चों स्क्वेंडर जो मैंने लिखा मैंने क्यों लिखा है क्योंकि बहुत पूछा जाता है फट से आप सामने रखा होगा आपके स्क्वेंडर एक्स्ट्रा वेगेंट ये खूब रखे होंगे आपके सामने अ पर्सन हु इज वेल नोन इन एन अनफेवरेबल वे बच्चों फेवरेबल वे में हो तो पर्सन कैसा होता है फेमस फेमस पर्सन प्रसिद्ध उसको कहते हैं जो फेवरेबल वे में हो लेकिन जो अनफेवरेबल में होगा उसे क्या कहेंगे या बच्चों क्या आंसर करेंगे आप जी नीलम बिल्कुल सही है कई बच्चों ने जवाब दे दिया है प्रतिभा ज्योति नीलम वेरी गुड रीना एक्सप्लोर बहुत अच्छे सबिया भूमि का भावना अंजू राइट बच्चों इट इज नोटोरियस नोटोरियस का मीन्स होता है बच्चों कुख्यात हिंदी में जो हम इसको कहते हैं क्या कहते हैं कुख्यात यानी कि जो अपनी बुरी चीजों के लिए जैसे कोई मर्डर के लिए जाना जाता है तो उसे बच्चे कहेंगे वो मर्डर के लिए फेमस है बल्कि कहेंगे ही इज नोटोरियस फॉर मर्डर्स वो मर्डर्स के लिए नोटोरियस है अगले वर्ड पे आते हैं टू राइट अंडर ए डिफरेंट नेम किसी डिफरेंट नेम के अंडर में लिखना ये बच्चों क्या कहलाएगा शिडोनिम एनोनिमस बायोग्राफी या मस्क्रेड 24 का डी एग्जैक्टली ओके ठीक है और बताओ बच्चों और बताओ और बताओ करेक्ट आंसर है बच्चों बी बनेगा शिवडोनिम श्यूडोनिम का मीन्स होता है बच्चों झूठा झूठा नेम या, या कह देंगे इसको फॉल्स नेम आपने कुछ भी फॉल्स नेम बना के लिख दिया है ना लेकिन ये देखो इधर जो लिखा है एनोनिमस ये जो पहला लिखा है बच्चों एनोनिमस इस वर्ड का क्या मीन्स है इसका मीन्स होता है अज्ञात मतलब हमें पता ही नहीं चल पाता उसमें लिखा विदाउट राइटर लिखा होता है उसे एनोनिमस कहते हैं जबकि एक वर्ड है इसको भी पढ़ेंगे यहीं पे बच्चों का मींस होता है एक ऐसी चीज जिसपे सबकी साझेदारी हो जाए सबका एग्रीमेंट हो हाँ बिना नाम का एग्जैक्टली exactly। तो देखो इसको यूनैनिमस को हम कहेंगे बताओ यूनैनिमस को हम क्या कहेंगे बच्चों यानी के विद एग्रीमेंट विद एग्रीमेंट फ्रॉम ऑल सब लोगों के एग्रीमेंट से जो बनता है उसे यूनैनिमस कहते हैं हां जी कलेक्टिवली ऑल एग्री टू दैट ठीक है बच्चों तो आंसर हमारा हो गया यहां पर बी फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच एक ऐसा पर्सन जो फ्लुएंट भी हो और क्लियर भी हो अपने स्पीच में बच्चों से क्या कहते हैं इमोशनल आर्टिकुलेट एंथोसियस्टिक या कॉन्फिडेंट ठीक है ठीक थी, है नीलम ऑल राइट right बच्चों बताओ आंसर क्या बनेगा जी बिल्कुल सही है ज्योति भावना प्रतिभा वेरी गुड बच्चो इट इज आर्टिकुलेट आर्टिकुलेट कौन होता है जो क्लियर एंड फ्लुएंट हो अपने स्पीच में उसे आर्टिकुलेट कहेंगे बिल्कुल सही है ज्योति सीमा अंजुरीना रावेन नीलम अनु सबिया हीना साक्षी पंकी वेरी गुड बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन हम उसे क्या कहते हैं बच्चों हम उसे कहते हैं इम तो इम उसका क्या बन गया बच्चों सिनोनिम बताओ इनमें से कौन सा वर्ड है या बच्चों एक्सटेम्पोर कहेंगे हांजी जी 26 का भी है बिल्कुल बढ़िया बच्चों एक्सटेम्पोर का मीन्स है विदाउट प्रिपरेशन बिना तैयारी के उसे इम भी कहते हैं आप तो इम और एक्सटेम्पोर दोनों आपस में क्या हो गए सिनोनिम्स करेक्ट बच्चों

नेपोटिज्म बनेगा बच्चों नेपोटिज्म का मीन्स होता है बेसिकली भाई भतीजावाद इसको हम क्या कहते हैं भाई भतीजावाद तो भाई भतीजावाद का मीन्स होता है नेपोटिज्म से करेक्ट एबरी वन हाँ जी यानी अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे इसका मीन्स क्या है अंधा है फिर भी अपने अपने को दे रहा है कितना यानी कि वो नेपोटिज्म कर रहा है सिर्फ अपनों पे बरसात कर रहा है अच्छी चीजों की अब देखो बच्चों स्मॉल टॉक स्मॉल टॉक का मीन्स है बताओ क्या बनेगा छोटी सी बात अगर मैं कह दू <coughs> लंबी बात नहीं बच्चों छोटी सी बात हमने की है तो ये क्या बनेगा ए बिल्कुल सही है लाइट कॉन्वर्सेशन है ना मतलब ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ में आप पूरा मतलब प्रोफेशन प्रोफेशनली होकर डेप्थ में जा रहे हैं और उस पर पूरा डिस्कशन कर रहे हैं नहीं लाइट कॉन्वर्सेशन हल्का फुल्का सा करना इसे ही हम क्या कहते हैं स्मॉल टॉक प्लो अ लोन फ्रो देखो क्या लिखा है प्लोइंग अ लोनली फ्रो मतलब जो फ्रो होती आपने है आपने देखा ये खेत है बच्चों तो इस खेत में लोन पर्सन इसको प्लो कर रहा है लोन पर्सन इसको प्लो कर रहा है इसका मतलब क्या होगा वर्क सिंगल हैंडेडली प्लॉ द फील्ड प्लॉ दें क्या बनाएंगे बच्चों इसका आंसर ए बनाएंगे एग्जैक्टली वर्क सिंगल हैंडेडली यानी कि से अकेले वर्क करना अकेले ही वर्क करना किसी की हेल्प ना लेना जी बिल्कुल ठीक है साक्षी किरण अंजू ज्योति फैजन राविन करेक्ट है किरण पिंकी बहुत अच्छी है बच्चों आंसर आपका ए जाएगा और आज का लास्ट वर्ड है बच्चों आपका रब सोल्डर्स विद आप अपने सोल्डर को रब करते हैं किसी के साथ तो बताओ क्या कम इन कॉन्टेक्ट विद कैरल विद अ पर्सन रब सोल्डर्स ऑफ समवन या हैज अव अ कोज टू फाइट का डी अच्छा ठीक है कोज टू फाइट ओके और बताओ बच्चों ओके 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 सभी बच्चे बता रहे हैं इसको रब सोल्डर्स विद बेसिकली बच्चों इसका मीन्स अगर हम देखें तो इसका मीन्स होता है कम इन कॉन्टेक्ट फर्स्ट वन आंसर जाएगा फर्स्ट वन जैसे कोरोना पीरियड में बच्चों ये सबसे निषेध बात है प्रोहिबिटेड है कि आपको किसी से कंधों से कंधे नहीं टकराने हैं लेकिन आप मानते थोड़ी हो आप टकरा के छोड़ते हो और जब तक नहीं टकराते तब तक आप उससे बात नहीं करते तो कंधों से कंधे टकराते हैं इसका मतलब है आप उसके टकरातेंटेक्ट में आते हैं करेक्ट बच्चो या गले मिलते हैं जाके गले मिलना भी यही हो गया यानी कि कम इन कॉन्टेक्ट विद तो रब शोल्डर विद इसका मीन होता कम इन कॉन्टेक्ट ना कि बाकी होंगे जी बिल्कुल ठीक है नीलम तो सभी बच्चे राइट हैं बहुत अच्छे आज का बच्चों वर्ड पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप आज का वर्ड है जॉइन द मेजोरिटी जोइन द मेजोरिटी आपको उसको देखना है इसका क्या है? मेजोरिटी करेक्ट बच्चों से वर्क करते रहेंगे आप सब बच्चों को मैं आपको कहता हूं जितने भी बच्चे हैं कि अपना रोल नंबर बढ़िया से डाउनलोड कर लें नंबर वन उसमें कोई भी देरी ना करें रोल नंबर डाउनलोड करके बच्चों अपने वर्क को आगे बढ़ाएं और अपनी तैयारी को फिट एंड फाइन कर लें अब कोई समय नहीं बचा है डन एवरीवन और साथ में बच्चों आपको क्या करना है इस वीडियो को शेयर करना है लाइक लाइक जरूर करेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे जी बच्चों थैंक यू सो मच ठीक है ठीक है ठीक है ऑल राइट ठीक है, है नीलम बहुत अच्छे हैं हां सेंटर पास पास है सब बच्चों के तो अपना घर से उठना है चाय पीते हुए चाय पी के घर से उठ के और सीधा कहां पहुंच जाना है अपने सेंटर पे लेकिन ये देखो सीरियसली बढ़िया तरह से तैयार होके जाना है ठीक है बच्चों सो थैंक यू सो मच हैव ए ग्रेट टाइम अच्छा ये बताओ अभी पीजीटी वाले रोल नंबर गए आपके या नहीं आए हैं या सिर्फ डीजीटी आए हैं जिन बच्चों को कंफर्म हो एक बार मुझे बताएं अच्छा दूर है आपका साक्षी ओके ठीक है जी फैजन ठीक है तो बच्चों पीजीटी के भी रोल नंबर गए अभी या नहीं आए हैं कंफर्म करें जी ठीक है नीलम अच्छा भी नहीं आया पिंकी ऑल राइट ठीक है बच्चों तो कल फिर मिलते हैं और इवनिंग में इवनिंग में मिलते हैं कल हम इवनिंग वाली क्लास नहीं ले पाए थे बट आज उस क्लास को करेंगे समथिंग वॉज देयर यस्टरडे सो थैंक यू सो मच हैव अ ग्रेट टाइम